हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली में अपनी मांगों को लेकर केमिस्ट एसोसिएशन की ओर से दवा विक्रेताओं की हड़ताल 24 घंटे के लिए पाली में प्रारंभ हो गई, जिसके चलते मेडिकल स्टोर के साथ साथ होलसेलर के यहां पर भी ताले टांगे हैं। तो दूसरी ओर एसोसिएशन के लोगों ने प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। केमिस्ट एसोसिएशन पाली की ओर से ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 24 घंटे का बंद बुलाया गया है। प्रदेश के अंदर कहने को तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन पिछले एक पखवाड़े से सरकारी विभागों और रोडवेज में जो हालात बने हैं उसे देखकर लगता नहीं कि प्रदेश में कोई सरकार काम भी कर रही है या नहीं। सारे कामकाज हड़ताल के कारण जहां ठप हो चुके हैं, तो वहीं लोग अपने काम को लेकर दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। पंचायत राज विभाग, राजस्व विभाग, जलदाय विभाग के साथ साथ रोडवेज की हड़ताल का प्रभाव अब सीधा लोगों पर पड़ने लगा है। सुमेरपुर उपखंड के बांकली में गुरुवार रात को जनकल्याण जागरूकता संस्थान की बैठक संरक्षक लक्ष्मण सिंह देवड़ा और अध्यक्ष पूरण सिंह रावणा राजपूत की अध्यक्षता में बैठक को आयोजित किया गया, जिसमें संस्थान की सर्वसहमति से सलाहकार कमेटी का गठन किया गया। वहीं संस्थान के सामाजिक कार्यों को लेकर विचार विमर्श किए और संस्थान के एक वर्ष के कार्यकाल की भी सराहना की। देखो जागरूक, बनो जागरूक।